Hello students, today we will do the comprehension for class 3. The topic is the postman. Postman is a very useful public servant. बहुत ही useful public servant है, मतलब government का काम करता है और public को serve करता है. He is known from his khaki uniform. उसकी जो यूनिफॉर्म होती है दैट इज़ ऑफ खाकी कलर एंड द बैग हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर. वो हमेशा एक बैग को हैंग करके घूमता है जिसमें लेटर्स होती हैं. इट कंटेन्स लेटर्स पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स एट्सेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें वो कैरी करता है सबके लिए. पीपल वेट फॉर हिम वेरी ईगरली. लोग उसके लिए वेट करते हैं. ही वर्क्स हार्ड. वो बहुत मेहनत करता है. ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी वेल. वो अपनी ड्यूटी मतलब अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करता है. ही इज़ नॉट लेजी एंड केयरलेस. वो आलसी नहीं है और केयरलेस नहीं है, मतलब सबका बहुत ध्यान रखता है कि किसी के लेटर गुम ना हो और सब तक पहुंचाता है. ही कैन रीड मैनी लैंग्वेजेस. और उसे बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं. The postman is a very honest person. वो बहुत ही ईमानदार person मतलब इंसान है. Let's see the exercise. पहले हम देखते हैं tick the correct option. Postman is a useful public servant. He is a public servant. Postman contains letters. Letters in his bag. Let's see the question answers. Who is a postman? Postman is a very useful public servant. How do you recognize him? We recognize him from his khaki uniform and the bag hanging on his shoulder. Next question is, make plurals of the following words. Postman, language, letter, servant. तो इनके आंसर्स आपको आपके पैराग्राफ में से कॉम्प्रिहेंशन में से मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते. तो आपको ये खुद फाइंड आउट करने हैं. अगर आपको ये नहीं मिलते तो आपको मुझे कमेंट करना है और मैं आपको इसके आंसर्स सेंड करूँगी. ओके, थैंक यू.